ब्लेस यू. ओके, अगली गवाही का कॉल उठाएंगे. जी अपनी गवाही दीजिए. हेलो जी. जी 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 पास्टर जी, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ. जी जी जी, आपका फोन ठीक कर लो पहला, आपका फोन ठीक कर लो या तो नजदीक रख लो. जी अब आ रही पास्टर जी आवाज. जी जी बोलिए सर. जी पास्टर जी, मैं आपको 8-9 महीने से जानता हूँ यूट्यूब के माध्यम से. जी पास्टर जी, पहले मैं मसीह तो था बट मैं 5% भी मसीह नहीं था. लेकिन पास्टर जी, जब से मैं आपको जानता हूँ, आपकी टीचिंग को सुन रहा हूँ, तो आज पास्टर जी मैं 90% मसीह बन चुका हूँ पास्टर जी. बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है जी. पहले पास्टर जी मेरे पास बाइबल भी थी बट पास्टर जी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पास्टर जी वचन की. बट जब से पास्टर जी आपने बाइबल स्टडी करवाई, जैसे प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति और दानियेल, बहुत से ज्यादा पास्टर जी आप जो टीचिंग दी पास्टर जी आपने जी, उससे पास्टर जी हम बहुत आशीषित हुए हैं पास्टर जी. और जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है पास्टर जी, इससे भी हम बहुत ज्यादा आशीषित हुए हैं पास्टर जी. मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर हमें मिल चुके हैं पास्टर जी. जी जी बिल्कुल सही कहा. और पास्टर जी, आज जैसे आपको सुन रहे हैं, इतने मंथ से आपको जानते हैं, तो पास्टर जी आज हम बोल सकते हैं कि आज कोई भी बड़ा से बड़ा इंटरनेशनल पास्टर भी आ जाए वचन में से, तो आज हम उसे क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर दे सकते हैं पास्टर जी. इतना कॉन्फिडेंस है पास्टर जी आपके टीचिंग के माध्यम से. क्या बात जी पास्टर जी, तो बहुत बढ़िया पास्टर जी की, जब से आपको सुन रहे हैं पास्टर जी, बहुत मतलब पाप में थे पास्टर जी, तो मतलब जब से आपको सुना, प्रभु का डर बहुत आया पास्टर जी दिल में, और पास्टर जी अब चल रहे हैं पास्टर जी मसीह में. अच्छा अच्छा, आपका नाम अभय है राइट? हाँ जी पास्टर जी, अभय हिमाचल प्रदेश. और आपका एज क्या है पास्टर? मेरा 23. माई गॉड, आप देख रहे हैं जितने भी 1050 आप आसपास में लोग देख रहे हैं अब है, इस वक्त में आपको 1000 के ऊपर लोग देख रहे थे या सुन रहे थे. इनकी एज है 23 साल. इस एज में ऐसी मैच्योरिटी, परिपक्वता वचन के प्रति इस एज में, तो सोच के देखिए. और जितने भी मसीह जगत के सो कॉल्ड लीडर्स हैं देश और विदेश से, ये काम कर रहा है मसीह मंथन. मैं रिपीट करता हूं, ये काम कर रहा है मसीह मंथन, और यही काम करता रहेगा डैनियल राज मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, अगर ऐसे लीडर्स तैयार हो रहे हैं. मैं इसको और करना चाहूंगा, आपने नहीं सुना होगा तो मैं रिपीट कर देता हूं. अगर ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल खरी शिक्षा, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार में मिलावट नहीं है, और यीशु कहते हैं तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ और ना कि ना हो, मती का 5:37 में. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसी बातें हैं वैसे बोलना है, जैसा इंटरप्रेट हुआ है विद द कॉन्टेक्स्ट वैसे ही पेश करना है. कुछ ऐड नहीं करते, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, और एक्स्ट्रा जैसे इब्रानियों किताब उसका 13:9 लिखा है कि उपकी डॉक्ट्रिन्स, मतलब हवा की डॉक्ट्रिन से हम नहीं बहकते. अचानक से कुछ आ गया तो ले लिया, ऐसा हो गया तो ले लिया. अभी आपने देखा होगा ना मुकेश क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि पहले जहां पास्टर उठापटक करते हम वहां पे जाते थे, लेकिन अब जब से समझ आ गई कि उठापटक तो होता ही नहीं है, पवित्र आत्मा तो अंदर है, और जब पवित्र आत्मा अंदर है तो हमको तो फिर 24/7 उठापटक करते रहना पड़ेगा, तो फिर तो हम काम ही नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो ये टोटल जो है ना चीज़ें लोगों को अब समझ आ गई, और मुझे खुशी है. यह सब है, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे बढ़ो. ओके जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस.